हे दोस्तों, यू हेल्प एसआर डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं शिवराज चौधरी आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन से संबंधित एक बहुत बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी किया गया है, जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब FAQ फ्रिक्वेंसली आस्क क्वेश्चन के माध्यम से, एक PDF के माध्यम से, ऑफिशियल नोटिस के थ्रू रेलवे ने यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, किस तरह से जो है ये कैंडिडेट्स की मदद करता है। तो ये वीडियो देखने के बाद नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कोई भी सवाल आपके लिए नहीं बचा रहेगा, सभी सवालों का जवाब नॉर्मलाइजेशन से संबंधित इस वीडियो में हम देखेंगे। रेलवे ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये FAQ करके जो है नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब दिया गया है नॉर्मलाइजेशन से संबंधित। ऑफिशियल FAQ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्यों जरूरी है, ये हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, इससे कैंडिडेट्स का फायदा होता है या नुकसान, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। बने रहेगा वीडियो में एकदम लास्ट तक, ताकि इसकी जरूरी जानकारी ना छूटे। वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को यानी कि बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली रेलवे और SSC के हर पल की अपडेट आपको मिलती रहे फ्री में सबसे पहले। तो रेलवे की तरफ से नॉर्मलाइजेशन से संबंधित जो FAQ फ्रिक्वेंसली आस्क क्वेश्चंस की लिस्ट दी गई है, तो वो सीधे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के देख लेते हैं। तो रेलवे की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक जो है मिल जाएगी। यहाँ पर मैं RRB भोपाल की वेबसाइट पर आया हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 मार्च को यहाँ पर FAQ नॉर्मलाइजेशन से संबंधित रेलवे ने अपलोड किया है। तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कौन कौन से सवाल यहाँ पर रेलवे ने जो है वो दिए हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है जो कि रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कि अलग अलग फ्रिक्वेंसली आस्क क्वेश्चन है, अलग अलग सवाल हैं जो जिनके जवाब जो है रेलवे ने यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो बार बार लोग यही पूछते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है, तो इसका सीधा साधा सिंपल रेलवे ने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी एग्ज़ाम जो भी मल्टीपल सेशन में होता है, तो मान लीजिए किसी सेशन का एग्ज़ाम कम टफ होता है, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कम रहता है, और किसी सेशन में डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा रहता है, इसलिए किसी भी कैंडिडेट्स के साथ अन्याय ना हो, किसी भी कैंडिडेट्स के साथ अन्याय ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया कि नॉर्मलाइजेशन जो है यहाँ पर कंपलसरी किया गया। तो इसमें क्या रहता है कि जिस भी क्वेश्चन पेपर का, जिस भी सेशन का आपका एग्जाम का लेवल अगर डिफिकल्ट होता है, तो ऑब्वियसली उसमें जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स थोड़े से ज्यादा रहते हैं, और जिनका क्वेश्चन पेपर आसान रहता है और उनके नंबर अगर ज्यादा आ जाते हैं, तो उनके मार्क्स जो है थोड़े से डिक्रीज कर दिए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो यही नॉर्मलाइजेशन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पहला सवाल यहां पर हम ले लेते हैं जो कि FAQ में पूछा गया है। पहला, व्हाई एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन। इसका जवाब आप सब लोगों को पता होगा कि अलग अलग सेशंस पे, इतने सारे सेशंस में रेलवे एग्जाम क्यों कराता है। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, आप सबको पता होगा रेलवे में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर बार आवेदन करते हैं। अब इतने सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम एक सिंगल सेशन में जो है वो पॉसिबल नहीं है, यही रीज़न है कि रेलवे जो है अलग अलग सेशंस में एग्ज़ाम कराता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका अभी लेवल 1 का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि ग्रुप D का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में बैठे थे। अब इतने सारे कैंडिडेट्स का रिटर्न एग्ज़ाम लेना एक सिंगल सेशन में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 153 अलग अलग सेशंस में ये एग्ज़ाम हुआ था। अब 153 अलग अलग सेशंस में अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको पता होगा कि कोई एग्ज़ाम किसी सेशन में क्वेश्चन पेपर आसान आएगा, किसी में टफ आएगा, किसी में बहुत आसान आएगा। अब अगर किसी का बहुत आसान हो गया, तो कम मेहनत से भी उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, और किसी का एग्जाम पेपर अगर टफ आ रहा है, तो उसने मेहनत भी बहुत की और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इस तरह का न्याय किसी कैंडिडेट्स के साथ ना हो, इसीलिए रेलवे ने जो है नॉर्मलाइजेशन को अपनाया है। इसमें जिस भी क्वेश्चन पेपर का या जिस भी सेशन का डिफिकल्टी लेवल अगर ज्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली उस सेशन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर नॉर्मलाइजेशन के थ्रू थोड़ा से बढ़ जाते हैं, ताकि उन कैंडिडेट्स के साथ अन्याय ना हो। तो शुरू के 2 सवालों के हमने जवाब दे दिए कि मल्टीपल सेशंस में एग्जाम क्यों होता है, नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्या है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि RRB ने इससे पहले जो है मल्टीपल सेशंस में एग्जाम कराए हैं, क्या उस समय नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया था। तो रेलवे ने यहाँ पर जवाब दिया है, यस, नॉर्मलाइजेशन इज बीइंग डन बाय RRB इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस सिंस ईयर 2000 ऑनवर्ड। यहाँ पर रेलवे ने बताया है कि जितने भी मल्टीपल सेशंस में एग्जाम हुए हैं, वर्ष 2000 के बाद से रेलवे ने सब में नॉर्मलाइजेशन अपनाया है। ये रेलवे की तरफ से जवाब दिया गया ऑफिशियली। दोस्तों, अगर आप
आपके कुछ सवाल हो नॉर्मलाइजेशन से संबंधित, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप कौन सी वैकेंसी चाहते हैं, 8वीं पास 10वीं पास, ग्रेजुएशन, रेलवे, SSC, जिस भी तरह की सरकारी नौकरी की आप जानकारी चाहते हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। इज नॉर्मलाइजेशन सम सॉर्ट ऑफ ग्रेस मार्क्स? क्या नॉर्मलाइजेशन जो एक तरह के क्रमांक दिए जाते हैं, ग्रेसिंग मार्क्स, क्या उसी तरह का नॉर्मलाइजेशन है? तो रेलवे ने यहाँ पर साफ कहा गया है, नो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलोड बाय RRB इज अ साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। रेलवे में जो भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाई जाती है वो साइंटिफिक है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, इसका ग्रेसिंग मार्क्स से कहीं भी कोई भी लेना देना नहीं है, साइंटिफिक प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, सो कैन नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट इन रिडक्शन एज वेल एज इंक्रीज इन द मार्क्स एज कम्पेयर टू द रॉ मार्क्स? तो जो आपके रॉ मार्क्स रहते हैं, मतलब जितने आपने एक्चुअल नंबर का किया है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन से आपके एक्चुअल नंबर कम भी हो सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं, ये यहाँ पर सवाल है। तो रेलवे ने कहा, यस इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द सेशन ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज कैंडिडेट्स ऑफ अदर सेशन। तो रेलवे ने यहाँ पर सिंपली कहा है कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का है उसका लेवल कैसा है, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो उससे एवरेज मार्क्स अगर कम जाता है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पेपर का लेवल जो वो है टफ था। तो इस तरह से रेलवे ने क्लियरली कहा है कि आपके जो जितने भी नंबर का, मान लीजिए आपने 60 नंबर का सवाल किए हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया है, तो आपके जो नंबर है एक्चुअल नंबर 60 नंबर से कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, यहाँ पर रेलवे ने ये क्लियरली कर दिया गया है। दिस मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इज स्टैटिस्टिकली जज्ड बेस्ड ऑन ऑल द कैंडिडेट्स ही सी इज कम्पीटिंग विद। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है आपके साथ साथ बाकी कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस से भी वेरी होगी। तो रेलवे ने फिर यहाँ पर कहा गया है, येस द प्रोसेस इन्वॉल्व्स रॉ स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट्स मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन हिज हर सेशन एज वेल एज अदर सेशन बींग नॉर्मलाइज। तो यहाँ पर सीधा कहा गया है कि आपकी जो मार्क्स रहेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स, वो बाकी कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस से भी इफेक्ट होंगे। कैसे कैसे? मान लीजिए कि किसी सेशन में 100 लोगों ने एग्ज़ाम दिया और उन 100 लोगों का जो एवरेज मार्क्स है अगर वो कम आ रहा है, ठीक है, तो उस बेसिस पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं या आपके नंबर, उस बेसिस पर आपके नंबर थोड़े से इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो यही कहा गया है कि अदर कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस भी आपकी परफॉर्मेंस यानी कि आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को इफेक्ट करेगी। अगर एवरेज मार्क्स सभी कैंडिडेट्स का कम जाता है, उससे ये डिसाइड होता है कि उस सेशन का, उस क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था और उसकी वजह से आपके जो है मार्क्स थोड़े से बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। अब यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द रॉ स्कोर, हाउ रॉ स्कोर इज कैलकुलेटेड? तो रॉ स्कोर कैलकुलेट करने का यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया गया है। मान लीजिए कि 100 नंबर के आपके क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, उसमें आपने जो है कुछ दो क्वेश्चन को जो आपने इग्नोर किया, मतलब आपने उनको अटैम्प्ट नहीं किया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं 60, जिसमें से 54 आपके सही हैं, 6 आपके गलत है। तो 54 नंबर तो आपके सही हो गए, ठीक है। 1/3 की अगर आप नेगेटिव मार्किंग है और 6 सवाल आपने गलत किए, तो -2 नंबर जो है आपके माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 54 - 2 = 52 हुआ। स्कोर निकालने के लिए, रॉ मार्क्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो 52 आया डिवाइड बाय जितने क्वेश्चन आपने जो है यहां पर इग्नोर किए थे उनको माइनस करके डिवाइड कर देना। तो 52 डिवाइड बाय 98 × 100, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है आपके रॉ मार्क्स का कि आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं। इसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आते हैं। दिस मीन इट डजेंट इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरवेंशन। एक सबसे बड़ा सवाल है कि जितने भी लेवल पर आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, क्या इसमें किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप है? तो यहाँ पर रेलवे ने क्लियर किया है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी मानवीय हस्तक्षेप जो है वो नहीं है। नॉर्मलाइजेशन एक तरह का साइंटिफिक और आपका जो है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है, इसमें किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की कोई भी जगह नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है, इसलिए किसी भी कैंडिडेट्स के साथ अन्याय होने का कोई भी सवाल यहां पर नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है, कैन कैंडिडेट्स ऑफ सेम सेशन हैव वेरिएशन इन द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन? यहाँ पर पूछा गया है कि क्या सेम सेशन के कैंडिडेट्स नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उनके मार्क्स कम हो सकते हैं या घट बढ़ सकते हैं? तो उसका भी सवाल यहाँ पर रेलवे ने किया है। रेलवे ने आंसर दिया गया है कि हाँ, अगर आप सेम सेशन में हैं तो भी आपके सवाल कम, आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो कम ज़्यादा घट बढ़ सकते हैं।
ठीक है, आगे हम यहाँ चलते हैं। बट सो मैनी कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स हायर देन 100। ये सबसे बड़ा सवाल है कि 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर है आपका, नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी भी कैंडिडेट का 100 नंबर से ज़्यादा कैसे आ सकता है। तो यहीं पर रेलवे ने जवाब दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपके 100 नंबर के से ज़्यादा भी हो सकता है। रेलवे ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि हाँ, 100 नंबर से ज़्यादा भी आपके जो है मार्क्स आ सकते हैं। यस, इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द डिफिकल्टी सेशन। इन डिफिकल्ट सेशन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आता है, तो उसका जो टॉपर कैंडिडेट्स है, अगर उसके बढ़िया मार्क्स आते हैं, तो उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन के थ्रू 100 से ऊपर भी जा सकते हैं। ये यहाँ पे कहा गया, कंसीडर अ कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन द मोस्ट डिफिकल्ट सेशन एंड येट स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स से 90। मान लीजिए कोई सेशन था, सुबह का सेशन था, बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब इतना टफ कि लोगों के 60-70 नंबर भी नहीं आ रहे थे, और उसमें जो टॉपर कैंडिडेट्स है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स है, जिसने 90 नंबर अगर उस सेशन पर लाए, तो उसके नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद 100 से अधिक हो जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन द कैंडिडेट्स ऑफ दिस सेशन विल जनरली हैव इंक्रीज इन द मार्क्स एज वेल एज इक्वलाइज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस सेशन एज कम्पेयर टू द बेस सेशन। सो अ फ्यू हाई परफॉर्मर इन द डिफिकल्ट सेशन सच एज दिस कैंडिडेट्स मे गेट नॉर्मलाइज मार्क्स ओवर 100। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई एग्जाम सेशन बहुत टफ आता है, तो उसका टॉपर कैंडिडेट्स अगर 90 से ज़्यादा और अधिक नंबर लाता है, तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उसके नंबर 100 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट द कैंडिडेट हैव गॉट नॉर्मलाइज स्कोर मोर देन 100। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या पहली बार ऐसा हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के 100 नंबर से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर रेलवे ने क्लियर किया है, नो, इन द पास्ट RRB एग्जामिनेशन आल्सो सम कैंडिडेट्स हैड मार्क्स मोर देन 100। रेलवे ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, इससे पहले भी जितने एग्जाम हुए हैं, तो उनमें भी ऐसा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ कैंडिडेट जो कि टॉपर कैंडिडेट्स थे, उनके नंबर 100 से ज़्यादा यहाँ पर हो रहे हैं। इज देयर एनी चेंज इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉर्मूला फॉर CEN 02-2018। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या किसी भी कोई चेंज किया गया है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में। तो यहाँ पर क्लियरली कहा गया है, नॉर्मलाइजेशन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है जो कि SSC भी यूज़ कर रहा है, रेलवे भी यहाँ पर जो है यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, पूरे सवालों का जवाब आपने देख लिया, तो मेन बात यहाँ पर जो निकल के आती है वो यही है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कम्प्लीटली स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, एंड इसमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। तो किसी भी कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव होने का कोई सवाल ही यहाँ पर नहीं है। जेन्यून होगा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन से आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये फाइनली नॉर्मलाइजेशन से संबंधित जितने भी 10-15 सवाल थे वो इस वीडियो में हमने देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सवाल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के यानी कि बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली रेलवे और SSC की हर पल की अपडेट आपको मिलती रहे फ्री में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट